Hello everyone, assalamu alaikum. This is Adhir Abdurrahman from Global State and Builders Behria Town Lahore Team Dominators. और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहरिया होम्स का 6.11 मरला बहरिया होम्स का वर्चुअल हाउस टूर। बहरिया होम्स के हवाले से आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताएं। बहरिया होम्स बेसिकली बहरिया टाउन सेक्टर ई में सिचुएटेड है। आप हॉर्स वाला जो हॉर्सेस वाला चौक है बहरिया टाउन में, वहाँ से आप राइट मूव करते हैं टुवर्ड्स एफिल टावर। एफिल टावर से हम आगे क्रॉस करके आते हैं तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे एफिल टावर क्रॉस करते साथ ही हमारे पास राउंड अबाउट आता है। उस राउंड अबाउट के बिल्कुल साथ हमारे पास बहरिया होम्स शुरू हो जाते हैं। अब बहरिया होम्स की कम्युनिटी के हवाले से बात कर लें थोड़ी सी। बहरिया होम्स की इंतहाई रीजनेबल और सुलझी हुई कम्युनिटी है। यहाँ पे सारे के सारे घर एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन में बनाए गए हैं जो कि बहरिया की अपनी कंस्ट्रक्शन में। अप्रॉक्सीमेटली ये 5, 5.5, 6 साल पुराने घर हैं और इन घरों की कंडीशन डिपेंड करती है अंदर रहने वाले पे, किस तरह से उसने मेंटेन रखा हुआ है, इधर उन्होंने घर को ट्रीट करवाया है या नहीं करवाया, घर की मेंटेनेंस किस तरह से वो करवाते रहे हैं और एड ऑन मजीद उन्होंने फीचर्स क्या क्या घर में लगवाए हैं। साथ ही साथ लोकेशन के हवाले से एक और आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं। प्राइम लोकेशन ये मानी जाती है, समझी जाती है। वाई प्राइम लोकेशन? बिकॉज बहरिया की बाउंड्री लाइन के अंदर सिर्फ एक पेट्रोल पंप सिचुएटेड है जो कि बहरिया होम्स के बिल्कुल अपोजिट पाया जाता है। इसके अलावा एफिल टावर जो कि बहरिया टाउन लाहौर की एक इंतहाई खूबसूरत तरीन अट्रैक्शन है, वो बहरिया होम्स के बिल्कुल साथ 1 मिनट की वॉक पर पाई जाती है। सारी की सारी कमर्शियल हमारे पास यहाँ पे 1 मिनट की वॉक में अवेलेबल है। इसके अलावा पार्क है यहाँ पे, पार्क के अलावा सामने मेन बुलेवर्ड है जो कि 150 फीट मेन बुलेवर्ड है और जैसा कि आप इस टाइम देख सकते हैं कैमरा में, सामने हमारे पास SQ99 मॉल आ रहा है। इसके अलावा इधर एक अनाया ग्रैंड मॉल आ रहा है। ये सब बहरिया होम्स के नियर अबाउट्स में, बहरिया होम्स की विसिनिटी की ये सारी की सारी अट्रैक्शंस हैं। बाकी जो घर मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इस घर की आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊँ। ये एक 6.11 मरला घर है। ये 3 बेड हाउस हैं बेसिकली। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास एक बेडरूम, एक किचन, एक लाउंज और एक ड्राइंग रूम मौजूद है और बैक साइड में हमारे पास वॉशिंग एरिया अवेलेबल है। और जब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ मूव करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास 2 बेडरूम्स, एक लिविंग रूम और एक सर्वेंट्स क्वार्टर भी मौजूद है। बाकी सारी घर की आपको डिटेल्स अंदर चल के दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ।